तो है गाइस, यहां पर हम लोगों ने एसएसडी के बारे में भी सुना हुआ है, एसएसडी के बारे में भी सुना हुआ है, रैम के बारे में भी सुना हुआ है। लेकिन कुछ सालों पहले यहां पर इंटेल ने अपनी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करी थी स्टोरेज में, जिसका नाम है इंटेल ऑप्टेन मेमोरी। जो इंटेल ऑप्टेन मेमोरी है, ये वोलेटाइल मेमोरी का भी काम करती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का भी काम करती है। तो आज की वीडियो होने वाली है पूरी इसके बारे में, बहुत आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, और आप सभी को बहुत ज्यादा बधाइयां, 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल पर, मतलब कमरे में तो तुम मेरे आ भी नहीं पाओगे अब। बाकी अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हाँ आपने नहीं करा ना, तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो जो हमारी एसएसडी होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो महंगी भी होती है, तो हम लोगों को कम स्टोरेज स्पेस मिलता है। और जो एसएसडी होती है वो सस्ती तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्लो भी होती है। तो यहाँ पर इंटेल ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर एक ऐसी स्टोरेज टाइप बनाए जो कि एसएसडी से भी ज्यादा फास्ट हो, और उसके साथ साथ एसएसडी और एसएसडी की स्पीड भी इंक्रीज कर दे अपने साथ। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, इंटेल ऑप्टेन मेमोरी अगर आपकी हार्ड डिस्क के साथ पेयर होती है तो आपकी हार्ड डिस्क को बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है। मतलब आपकी एसएसडी की अगर 2 मिनट की लोडिंग स्पीड है तो वो उसको 30 सेकंड में भी कर सकती है। तो है ना बहुत ज्यादा कमाल की चीज। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता कैसे है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जो ऑप्टेन मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल की तरह भी काम करती है, यानी कि एसएसडी और एसएसडी की तरह भी काम करती है, स्टोरेज करने में भी मदद करती है, और उसके साथ साथ वो वोलेटाइल मेमोरी की तरह भी काम करती है, मतलब रैम की तरह भी काम करती है। और रैम का क्या काम होता है कि जो प्रोसेसर काम कर रहा है उसका कैश स्टोर करके रखना, ताकि जब प्रोसेसर की जरूरत हो तो वो फटाफट से उसको दे दे, वो ही काम यहाँ पर ऑप्टेन मेमोरी भी करती है। लेकिन वो यहाँ पर एसएसडी के साथ या फिर एसएसडी के साथ वो काम करती है। जो इंटेल की ऑप्टेन मेमोरी है वो यूज करती है एडेप्टिव टेक्नोलॉजी। बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में अगर आप लोगों को समझाऊं तो ऑप्टेन मेमोरी क्या करती है, वो देखते हैं कि यार एसएसडी ना यहां पर ये फाइल ओपन करने की कोशिश कर रही है, बट ये बहुत देर लगा रही है, तो अगली बार जब एसएसडी उस फाइल को खोलेगी तो यहां पर ऑप्टेन मेमोरी जो है वो एसएसडी की मदद करने जाएगी, और यहां पर दोनों साथ में काम करके आपके जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम कर देंगे। तो अब आप सोचो कि जब एसएसडी को एसएसडी में कन्वर्ट कर देती है ऑप्टेन मेमोरी, तो एसएसडी कितनी ज्यादा फास्ट हो जाती होगी। तो अब यहां पर काफी सारे लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि जब ये रैम का काम भी कर देती है, एसएसडी का काम भी कर देती है, एसएसडी का भी काम कर देती है, तो क्यों ना हम सिर्फ ऑप्टेन मेमोरी लगा लेते हैं अपने लैपटॉप में 1 टेराबाइट की, और हमारा तो भाई साहब 1 टेराबाइट की रैम, 1 टेराबाइट की स्टोरेज, गेम में डाउनलोड और फुल स्पीड। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, जो ऑप्टेन मेमोरी होती है वो भले ही रैम से सस्ती हो बट वो फिर भी एसएसडी से भी ज्यादा महंगी होती है। 16 GB की ऑप्टेन मेमोरी कॉस्ट करती है 4000 रुपए, और 16 GB की रैम कॉस्ट करती है अराउंड 8000 रुपीज। तो ऑप्टेन और रैम में ऑलमोस्ट हाफ रेट का ही फर्क है, लेकिन अगर हम लोग एसएसडी से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। तो सिंपल सा आंसर ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्टेन मेमोरी यूज नहीं कर सकते, आप लोगों को एसएसडी या फिर एसएसडी की भी जरूरत पड़ेगी और रैम की भी जरूरत पड़ेगी। ऑप्टेन मेमोरी आपके सिस्टम को फास्ट बना सकती है, लेकिन वो प्राइमरी स्टोरेज की जो जगह है वो नहीं ले पाएगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ऑप्टेन मेमोरी आप लोगों को क्यों चाहिए, जब आपका एसएसडी से काम चल रहा है तो क्यों आप ऑप्टेन मेमोरी लो। अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल यूजर हो, जैसे कि आपको एनिमेशन करनी है या फिर रेंडरिंग का काम करना है, गेम डेवलपमेंट आपको करनी है, ऐप लोडिंग होगी, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए। जैसे कि आपने एनिमेशन में कोई कोड रन करा या फिर कोई सोर्स फाइल लगाई तो वो फटाफट से ओपन होनी चाहिए, तभी आपकी एनिमेशन स्मूथ हो पाएगी, तभी आप एनिमेशन स्मूथ कर पाओगे जब डाटा फटाफट से खुलता रहेगा। तो अगर आप लोगों को प्रोफेशनल एडिटिंग वगैरह करनी है या फिर गेम डेवलपमेंट वगैरह करनी है तो आपके लैपटॉप में अगर ऑप्टेन मेमोरी होगी या फिर पीसी में ऑप्टेन मेमोरी होगी तो आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, जैसे मैं एडिटिंग कर रहा हूं वैसी एडिटिंग करनी है, तो ऑप्टेन मेमोरी आप लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हाई एंड यूजर के लिए। हालांकि आप लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा एक झंझट वाला काम हो जाएगा। झंझट की बात यह है कि कोई भी चीज की जो है कुछ शर्तें होती हैं, जैसे अगर आपको गेम रन करनी है तो उसकी भी कुछ कंपैटिबिलिटी होगी, वैसे ही जो है इंटेल ऑप्टेन मेमोरी की भी कुछ कंपैटिबिलिटीज हैं। पहली कंपैटिबिलिटी या फिर पहली शर्त यह है कि आपके पास विंडोज 10 64-bit वाली होनी चाहिए, जो कि आजकल सबके पास होती ही होती है। दूसरी बात यह है कि आपके पास इंटेल का प्रोसेसर होना चाहिए, वो भी मिनिमम i3 7th generation, कोई भी इंटेल का 7th generation वाला CPU होना चाहिए, मिनिमम i3 होना चाहिए। और
और अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं भी, तब भी ये डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड कौन सा है। अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं करता ऑप्टेन मेमोरी को, तो आपके लैपटॉप में ऑप्टेन मेमोरी नहीं चलेगी। उसका स्लॉट होना चाहिए ऑप्टेन मेमोरी का, तब ही वो चल पाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई लगा दिया और चलगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ऑप्टेन मेमोरी है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का खेल है, तो यहाँ पर मदरबोर्ड कंपेटेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता करना कि आपके लैपटॉप में ऑप्टेन मेमोरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो अपने मैन्युफैक्चरर या फिर कस्टमर सपोर्ट से बात करके अपनी ब्रांड की, चाहे एसस हो, एसर हो, जो भी है, उनसे फोन करके पता करो भाई कि हाँ भाई ऑप्टेन मेमोरी लगेगी नहीं या नहीं लगेगी। तो बस यही था कॉन्सेप्ट ऑप्टेन मेमोरी का। होपफुली वीडियो देखने में मजा आया होगा, आया है तो लाइक जरूर से करके जाना, और नीचे लाइक करने जा रहे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर से दबा देना। बाकी यार फिर मैं बताऊँ टॉपिक साथ हैं, तब तक के लिए बाय।